नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। घरेलू इलाज देखिए, 100% सटीक इलाज देखिए मेरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपाय जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो है दिमाग की नसों की ब्लॉकेज। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि ये ब्लॉकेज होती क्यों है और किस कारण से होती है और इसके क्या लक्षण होते हैं। तो मैं आज इसमें आपको बताना चाहूंगा कि ब्लॉकेज दिमाग में क्यों होती है, दिमाग की नसों की ब्लॉकेज में आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, जिससे कि आपको ये समस्या आपके सामने दिमाग की नसों की ब्लॉकेज ना आए। क्योंकि दिमाग की नसों की जो ब्लॉकेज आती है, इसमें सिम्टम्स जो होते हैं बहुत बढ़कर आते हैं और इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती है। नींद आने में समस्या आती है, दर्द रहता है, 24 घंटे दर्द रहता है किन्हीं के तो, और इसमें जो दर्द उठता है बहुत भयावह होता है। तो मैं आज इसमें आपको बताना चाहूंगा कि ब्लॉकेज होती कैसे है। देखिए, ब्लॉकेज एक तो आपका खान पीन, अगर आप वसा की चीजें ज्यादा खा रहे हैं, नॉनवेज ज्यादा ले रहे हैं या एग ज्यादा खा रहे हैं, बॉयल्ड एग खा रहे हैं आप, तो इसमें समस्या क्या आती है, इसमें वसा होती है बहुत ज्यादा और आपका जो ब्लड होता है ये इसमें गाढ़ा हो जाता है। एक तो ये सिम्टम्स हो गया कि आपकी जो समस्या है, जो ब्लॉकेज की है, ये खाने में आपको कम करना चाहिए महीने में एक बार। अगर किसी को ब्लड की घाड़ा ब्लड की होने की समस्या है तो उसको तो नॉनवेज खाना ही नहीं चाहिए। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, लो, जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है और हाई रहता है, लो वालों को क्या होता है, इसमें ब्लड जो होता है वो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो पास नहीं होता है, तेजी के साथ रुक रुक कर चलता है नसों के अंदर, तो इसमें क्या होता है, आपका ब्लॉकेज बनेगा और बहुत जल्दी इसमें ब्लॉकेज बनती है जिनका बीपी लो रहता है। और जिनका बीपी हाई रहता है उनके बारे में बताना चाहूंगा, जैसे कि उनका बीपी हाई है और वो टैबलेट्स नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग टैबलेट्स लेते हैं लेकिन खाने में बदपरहेजी करते हैं तो बीपी हाई हो जाता है, क्योंकि खाना तो आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि खाना तो खाना है, जिएंगे कैसे, तो बीपी इसमें आपका आएगा ही आएगा। ये बीपी जब बढ़ता है तो इसमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है बहुत तेजी के साथ चलता है, तो इसमें क्या होता है, नस पर जो नसें होती हैं, ये नसों में जब ये ब्लड तेजी के साथ चलता है तो इसमें क्या होता है, इसमें स्पॉट बन जाते हैं, या तो क्योंकि आप अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं इसमें या कोई नॉनवेज की चीज खा रहे हैं और आपका बीपी जा रहा है, हाई तभी जाएगा जब कोई आप गलत चीजों का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सादा भोजन कर रहे हैं और आप बीपी की टैबलेट ले रहे हैं तो आपको कभी भी बीपी की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, बीपी आपका बढ़ेगा नहीं। लेकिन बीपी उन लोगों का बहुत तेजी के साथ बढ़ता है जैसे कि ड्रिंक ले रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, और उनकी समस्या जो है ये बढ़ती चली जाती है और समस्या इतनी बढ़ जाती है कि ये ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ये इतनी तेजी के साथ चलता है, क्योंकि एक तो खून गाढ़ा होता है तो इसमें स्पॉट बन जाते हैं और ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाती है और ये नसों को कमजोर करना शुरू कर देती है। और जब ये ब्लड एक जगह रुक जाता है या स्पॉट आ गया है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और सिम्टम्स इसमें क्या आते हैं, चक्कर आना, नसों का कमजोर होना, दिमाग में आपके
कोई भी समस्या आ जाना, जैसे कि दर्द रहना 24 घंटे, किन्हीं के रुक रुक के दर्द उठता है, और वो क्या करते हैं किसी भी मेडिकल से जाके टैबलेट्स ले लेते हैं, पेन किलर, वो नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी के सर में दर्द हो रहा है और ब्लॉकेज की समस्या है तो उनको दर्द की दवाई नहीं लेनी चाहिए, कोई भी दर्द की दवाई नहीं लेनी चाहिए। कैसा भी प्रॉब्लम हो, आपको थोड़ा आप रिलैक्स कीजिए और अपने सर में थोड़ा आप तेल लगाइए, सरसों का तेल लगाइए, गरम कीजिए, सरसों का तेल लगाइए और थोड़ी सी सिकाई कीजिए, आपका दर्द बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा। लेकिन लोग करते नहीं है, सीधा मेडिकल पे जाते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, और उससे क्या होता है, दर्द तो ठीक हो जाता है लेकिन वो जो स्पॉट जो आपका ब्लॉक की और ज्यादा बनती है, जो ब्लड आपका जो रुका हुआ है और आप जो टैबलेट लिए हैं और उसमें दर्द में तो आपको आराम मिल गया लेकिन आपकी ब्लॉकेज इसमें बहुत तेजी के साथ बनेगी और इसमें आपके अगले दिन फिर दर्द होगा। हो सकता है आपका 5 घंटे के बाद दर्द फिर आ जाए। जब तक उस गोली का असर रहेगा तब तक आपका दर्द ठीक रहे, ये भी हो सकता है। तो इसलिए ये सिम्टम्स इसमें आते हैं। खाने पीने का मैं इसमें आपको बता दूं, आप इसमें सादा भोजन कीजिए, ग्रीन सब्जियों का सेवन करें, कोई भी आप इसमें नॉनवेज ड्रिंक बिल्कुल ना पिए, क्योंकि शराब बहुत लोग पीते रहते हैं और नॉनवेज कोई भी इसके ऊपर चीज खाते रहते हैं और ये सिम्टम्स जो है बढ़ते चले जाते हैं। अगर किसी को ब्लॉकेज आ रही है, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इन चीजों का सेवन ना करें, सादा भोजन करें, ग्रीन सब्जी खाने में जरूर हो, दोनों समय में एक ग्रीन सब्जी जरूर होनी चाहिए, और देसी घी, जिनको ब्लॉकेज की समस्या है, देसी घी ना डाल के गाय का घी का रोटी में इस्तेमाल करें। वैसे आपको इसमें कोई भी चीज, आपको तेल जो है, तेल भी आप कम यूज करें, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम्स जो है ये बढ़े ना। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिम्टम्स जो आते हैं ये बढ़ते चले जाते हैं, और इसमें लोग क्या करते हैं, बदपरहेजी ज्यादा करते हैं। तो खाने पीने में आप सलाद खाइए, जूस पीजिए, बर्फ का इस्तेमाल ना कीजिए। जूस आप पिए उसमें बर्फ ना डालें, नॉर्मल जूस पिए, ठंडी चीजों से परहेज करें, सर पे ठंडा पानी ना डालें, थोड़ा गुनगुना पानी डालें, ज्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत हल्का गुनगुना, मतलब तासीर जो है थोड़ी गुनगुनी होनी चाहिए, सर पे डालें, और आपकी ब्लॉकेज जो है ये, अगर थोड़ी ब्लॉकेज है, कम ब्लॉकेज है, तो ये आप निकल जाएगी। आप इसमें जैसे कि सर में आप सरसों का तेल लगाइए, या मैं आपको तेल बता देता हूं इसमें आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि सरसों का तेल, एक नॉर्मली घर का मैं आपको बताने जा रहा हूं घरेलू नुस्खा, एक सरसों का तेल लीजिए और उसमें डालिए आप 50 ग्राम सरसों का तेल, 50 ग्राम बादाम रोगन का तेल और 50 ग्राम जैतून का तेल, इसको आप गर्म कीजिए और इसमें डालिए 2 चम्मच दालचीनी पिसी हुई, और इसको आप आंच पर रख दें, जब वो दालचीनी जो है जो आपने डाली है वो ब्लैक हो जाए, मिक्स हो जाएगी तेल में, फिर आप उस तेल को आंच से उतार लें, जब वो ठंडा हो जाए बोतल में भरें और सर की हल्के हल्के हाथ से रोज आप मालिश करें रात्रि में, और सिकाई करें। आपकी जो जिनको कम ब्लॉकेज है, उनको जिनको दर्द रहता है सर में, उनकी ब्लॉकेज निकल जाएगी। तो ब्लॉकेज जो होती है, इसके मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं कि कैसे कैसे इसमें आते हैं सिम्टम्स, चक्कर भी आते हैं, किन्हीं को तो इसमें दर्द इतना रहता है कि रात्रि में जो सो रहे होते हैं वो उठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, इतना पेन होता है। तो इसलिए आपको ये परहेज करना चाहिए, और ब्लॉकेज के बारे में मैंने आपको बताया है कि इसमें ब्लॉकेज कैसे बनती है और कैसे आपको इससे निकलना है। और मेरी वीडियो ये पूरी हो चुकी है, मैंने आपको जो बताना था, जो इलाज मैंने आपको इसमें बताना था घरेलू नुस्खा, वो मैंने आपको बता दिया है। और इसी के साथ
वीडियो में समाप्त करता हूं। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वीडियो को पसंद किया गया। देश में ही नहीं, विदेशों में भी हमारे घरेलू इलाज, आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए 100% सटीक इलाज आपके लिए दोस्तों।